तो ये आप लोगों को समझने की जरूरत है। क्या है ना, मीडिया जो है वो अपने पिताजी का नाम नहीं लेंगी, वो सब जानेगी पर नहीं लेगा। कैसा सिस्टम है ये कि अभिनेता में सिर्फ और सिर्फ सोनू सूद ने ही ठेका लेके रखा है भारत की जनता की मदद करने का, और बाकी वो लोग सब कहां गए? वो कहां गया अक्षय कुमार, हाँ, जो मोदी जी को आम चुसवा रहा था? कहां गया वो अक्षय कुमार जो देशभक्ति के जो बहुत सारे पिक्चरें करता है और हम लोग बहुत सारा प्यार देकर सिनेमा में उनकी पिक्चर हिट बनाते हैं और हम कहते हैं कि बेचारा देशभक्त है? और कहां गया वो सनी देओल जो पाकिस्तान से नलका उखाड़ लाया था? वो सनी देओल कहां गया? अब कुछ नहीं बोलेगा क्या? हाँ, विदेशों से जो 80 मैट्रिक टन ऑक्सीजन आ रहा है तो कुछ नहीं बोलेगा कोई? हाँ, अब देशभक्ति नहीं जग रही है? और अजय देवगन कहां गया? अजय देवगन ने तो जो है भगत सिंह का रोल किया था ना, देशभक्ति का जो है पूरा पिक्चर बनाया था, क्यों अब देशभक्ति नहीं जग रही है? ये सब जो है कीड़े, जब बाहर से कोई ट्वीट करेगा तभी ये सब कीड़े बाहर निकलेंगे क्या? तब ये कहेंगे हमारा अंदरूनी मामला है, अमिताभ बच्चन इतना बड़ा महानायक जिसको हमने बनाया, अब नहीं ये ट्वीट करेगा? हाँ, अब इनको महंगाई नहीं लग रही है, इनको जो है सड़कों पर किसान नहीं दिख रहे हैं, इनको बेरोजगारी नहीं दिख रही है, देश जो है विश्वगुरु लग रहा है क्या इनको? या चिताएं नहीं दिख रही है, कोरोना नहीं दिख रहा इनको? अब नहीं ये बोलेंगे, देशभक्त बनते ये। और कहां गई वो कंगना खनकाने वाली कंगना रनावत? कहां गई वो? अब नहीं आएगी मोदी जी की बेटी लाडली, नहीं बोलेगी क्या? अब हमारा अंदरूनी मामला नहीं है क्या? क्या है ना कि तुम लोग बोलो या ना बोलो, लेकिन विदेशों में भी जो है डंका बज रहा है पिताजी का, अच्छे से थू थू हो रही है, बहुत अच्छे से थू थू हो रही है। और वो कहां गई चूड़िया भेजने वाली भैंसिया? कहां गई वो चूड़िया भेजने वाली? क्यों अब जो है प्रधानमंत्री बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं क्या? सबकी चिता जलाकर जो है आबादी कम करने वाला कार्य बहुत अच्छा लग रहा है तुझे, तो तू चूड़िया नहीं पहनाएगी प्रधानमंत्री को? हाँ, कहां और किसके नाम की चूड़िया पहन के बैठ गई बहन तुम? तुम तो मिलती ही नहीं हो, दिखती ही नहीं हो। और वो सब कहां गए? वो करणी सेना, फलाना सेना संगठन और हिंदू वाहिनी, जय श्री राम बोलने वाले और बजरंग दल वाले सब कहां घुस गए? और वो जो आधी चड्डी पहनने वाले नालायक सब, अपना घुटना दिखाने वाले आधे नंगे सब, आधी चड्डी जो खाकी चड्डी पहनने वाले थे, वो कहां गए सब? हाँ, संगठन वाले नहीं दिख रहे वो सब ना? हाँ, कहां गए वो? तो सब जो है हिंदू है, हिंदू बचाओ, हिंदू खतरे में है। अब कौन खतरे में है? किसकी चिताएं ज्यादा जल रही है? कौन खतरे में है? अब नहीं दिखाई दे रहा क्या अंधो? और सिर्फ सोनू सूद को जो है सैल्यूट है, सिर्फ सोनू सूद आगे आया है। श्रीनिवास जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, सिर्फ वो ही आगे आ रहे हैं। देखो क्या हालत बना दी। और पीएम केयर फंड कहां घुस गया भाई? पीएम केयर फंड जो है किसकी जेब में घुस गया है? पीएम केयर फंड हमने जो है ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए अभी दिया है, तो पहले क्यों नहीं दिया? मतलब सेव रखा था तुम लोगों ने, और तुमको बताना नहीं है कि पीएम केयर फंड था। और बहुत सारे तुम्हारे नेता वेता अंध गंध सब जो बोलते हैं कि नहीं नहीं बहुत सारा मदद किया, और 20 लाख करोड़ का पैकेज कहां गया? अभी तक अस्पताल नहीं है, दवाई नहीं है, ऑक्सीजन से लोग मर रहे हैं, बेड्स नहीं है, कहीं बेड्स मिल नहीं रहे हैं, दवाई उपलब्ध नहीं है, कई कई दवाइयों के जो है 20-20 हजार रुपए ले रहे हैं, तो ये सब कहां गया? पीएम केयर फंड और 20 लाख करोड़ का पैकेज जो दिया था कहां गया? और अब निकल रहा है, मतलब पहले तुमने सेव करके रखा था, है ना? पीएम केयर फंड में एक छोटी बच्ची ने अपना गुल्लक तोड़कर भी 5,100 रुपए दिए थे पीएम केयर फंड में। अरे शर्म करो, गुल्लक जो बच्ची है ना क्यों भरती है? कोई मेहमान आता है तो पैसे देकर जाता है, या मम्मी ने दिया होता है या डैडी ने दिया होता है, रक्षाबंधन में बच्चियां बचा कर रखती है गुल्लक में कि कभी कोई मेरे परिवार पर आपदा आएगी या मम्मी डैडी का जो एनिवर्सरी आएगा तो मैं गिफ्ट दूंगी, या मैं कभी पिकनिक जाऊंगी मैं ये ड्रेस खरीदूंगी, मैं ऐसा लहंगा चोली खरीदूंगी शादी में पहनने के लिए। ऐसा ही कुछ बच्चियों के मन में होता है ना, गुल्लक भरती है तो मैं इससे ये वाला चीज खरीदूंगी, ऐसा गिफ्ट खरीदूंगी, है ना? अरे प्रधानमंत्री शर्म करो, डूब मरे मेरे वर्तमान सरकार, डूब मरे। बच्ची ने गुल्लक तोड़कर पीएम केयर फंड में डाला था, जैसे पीएम केयर फंड में तुमने झोली फैलाई थी ना कि हाँ दे दो।